हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का फर्स्ट टाइप, दैट्स इंस्पेक्शन मेथड का सेकंड क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का जो क्वेश्चन है, दैट्स सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, दिस इज नॉन एग्जैक्ट, ठीक है। और आपको पता है x dy y dx इस चीज को मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉन इंटीग्रेबल। x को मैं विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि इंस्पेक्शन मेथड का यूज डेफिनेटली करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, सॉल्यूशन अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x dy माइनस y dx। मैं यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा, ठीक है। यहां से जब मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो वो रूट के साथ बाहर आएगा, रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे और ये एक्स और वो वाला एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अंदर कितना बच जाएगा, यहां से तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां वन बच गया, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डिवाइड बाई वाई होल स्क्वायर, एक ही बात है। और फिर उसके बाद डी एक्स। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। मैं इस पूरे को यहाँ लाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा हमारा डी एक्स। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स के बदले यहाँ पे वाई डिवाइड बाई एक्स है तो मैं वाई डिवाइड बाई एक्स लिखूंगा। बस इतना ही मुझे लिखना है, विच इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप बोलोगे ये कैसे आएगा। देखो, जब हम साइन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो दैट्स ऑलवेज इक्वल टू वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स के बदले यहाँ पे वाई डिवाइड बाई एक्स है तो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स लिखा एक्स के बदले, ठीक है। तो ये चीज़ तो आ गया, बचा क्या यहाँ पे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और यहाँ पे बचा हमारा एक्स स्क्वायर। आपको पता है जब हम यहाँ पे इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद मैं वाई डिवाइड बाई एक्स की भी डिफ्रेंशिएशन करूंगा, जब मैं वाई डिवाइड बाई एक्स की डिफ्रेंशिएशन करूंगा इसमें लग जाएगा कौन सा रूल, डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स ये पूरी टर्म है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा डी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये तो एग्जैक्ट है, अब है ना, दिस इज क्लियरली एग्जैक्ट। तो मैं लिखूंगा विच इज एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ से, ठीक है। जब मैं ऐसा करूंगा तो इंटीग्रेशन साइन और डिफरेंशिएशन साइन आपस में कट हो जाएंगे, यहां बच जाएगा साइन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, और यहां से बच जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स, और मैं लिखूंगा कुछ कॉन्स्टेंट प्लस सी, ठीक है, ताकि दोनों साइड से बराबर हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को, देखो साइन इनवर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, दिस इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स को यहाँ रखता हूँ मैं और साइन इनवर्स को यहाँ लेता हूँ मैं, तो ये साइन बन जाएगा विच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। यहाँ मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू साइन, सॉरी साइन एक्स प्लस सी, और ये जो एक्स है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद इंस्पेक्शन मेथड को क्लोज करेंगे। तो इंस्पेक्शन मेथड का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो मुझे पता है दिस इज नॉट एग्जैक्ट, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे चेक करता हूँ। फॉर एग्जैक्टनेस पहले मैं इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में लाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सारी जो टर्म्स है डी वाई और डी एक्स की उनको एक साइड लाऊंगा, उस साइड में जीरो रखूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स डी वाई है और यहाँ पे है वाई डी एक्स, इन दो टर्म्स को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये मेरे बन जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से कुछ बचेगा नहीं तो इट ज़ीरो। अब मैं क्या करूँगा, डी एक्स की टर्म्स अलग करूँगा, ये बन जाएगी माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और मैं लिखूंगा बाहर डी एक्स,
और डी वाई की एक ही टर्म है, तो मैं लिखूंगा प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये आ चुकी है फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जैक्टनेस कैसे चेक करूंगा, डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई वो किसके बराबर है, एम हमारा ये है, जब मैं इसे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वाई का आ जाएगा माइनस वन ऑब्वियसली, एक्स स्क्वायर का जीरो हो जाएगा और वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई, तो वो हो जाएगा माइनस टू वाई विच इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, मैं इसको बाहर निकालूंगा टू वाई प्लस वन, है ना एक ही बात, तो डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस टू वाई प्लस वन। अब देखते हैं डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स इसके बराबर है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स, एन हमारा है एक्स, जब मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा ऑब्वियसली वन, विच इम्प्लाइज डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट दिस इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगा दिस डिफरेंशियल इक्वेजन इज नॉट एग्जैक्ट। अब मुझे इसका एग्जैक्टनेस फाइंड करना है, वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, बाई इंस्पेक्शन मेथड, और इंस्पेक्शन मेथड में क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना एक डिफाइन करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन से, जिससे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, एग्जैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखो इस इक्वेशन में क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिससे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रेबल बन जाए। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे मैं आराम से लगा सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज ए माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन जाएगा वन और यहाँ पे बच जाएगा डी एक्स। आपको पता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ट में, दैट्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ से क्या बच जाएगा मेरा डी एक्स। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है दिस इज एग्जैक्ट, क्यों, बिकॉज दिस इज इंटीग्रेबल। ठीक है, तो मैं इसे लिखूंगा विच इज एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट। अब मैं इसका सोल्यूशन गिवन सोल्यूशन फाइंड करूंगा, वो कैसे, मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेट इसे करूंगा, जब मैं ऐसा करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन और डिफरेंशिएशन साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ बच जाएगा मेरा, और जब मैं इंटीग्रेट करूंगा इस चीज़ को तो एक कॉन्स्टेंट भी ऐड होगा आपको पता है, उसको हम नाम रखेंगे प्लस सी वन। ठीक है, और जब मैं यहाँ से इंटीग्रेट करूंगा यहाँ बच जाएगा एक्स और एक कॉन्स्टेंट ऐड होगा जिसको हम रखेंगे नाम सी टू। ठीक है, तो ये मेरा फाइनली बन जाएगा टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे बच जाएगा एक्स सी वन जो है यहाँ पे लूंगा, सी ये बन जाएगा सी टू माइनस सी वन, मतलब वन कॉन्स्टेंट माइनस अनदर कॉन्स्टेंट गिव्स मी अनदर कॉन्स्टेंट, मतलब जैसे फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, दोनों कॉन्स्टेंट्स को हमने माइनस किया एक और कॉन्स्टेंट हमें मिला, वैसे ही सी टू को हमने, सी टू कॉन्स्टेंट है इसको हमने माइनस किया सी वन से, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो मुझे एक दूसरा कॉन्स्टेंट मिलेगा उसको मैं नाम रखूंगा सी सी। सो दिस इज़ अवर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं वो सारा क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।